हाई गाइज वेलकम बैक टू माई प्रेग्नेंसी सीरीज जहां मैं शेयर करती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी वीक वाइज प्रेगनेंसी अपडेट्स एंड माई प्रेगनेंसी जर्नी थ्रू व्लॉग्स सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा और बेलाइकन को हित कर लीजिए ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके इफ यू आर इन इंग्लिश व्यूअर और लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन इन इंग्लिश देन डू विजिट आर वेबसाइट मोम कॉम इंडिया डॉट इन फो व्यूल फाइंड लॉर्ड ऑफ आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड पेरेंटिंग नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड सो so, आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमारा एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो हम क्या चीज़ें कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए या हम शुरू से ही प्रेगनेंसी में किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारे एमनियोटिक फ्लूइड के लेवल ठीक रहें सबसे पहले आपको बता दूं कि एमनियोटिक फ्लूइड बेसिकली वो फ्लूड है जो आपके बेबी को सराउंड करके रखता है आपके बेबी के आसपास जो पानी होता है उसको एमनियोटिक फ्लूइड बोला जाता है एमनियोटिक फ्लूइड आपके बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है एमनियोटिक फ्लूड आपके बेबी का टेम्परेचर वूम में वार्म रखता है एमनियोटिक फ्लूड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, हॉर्मोन्स और एंटीबॉडीज़ होते हैं जो आपके बेबी को किसी भी इंजरी जर्क ट्रॉमा से भी बचाते हैं उससे क्वेश्चनिंग देते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड ही वो फ्लूड है जो आपका बेबी स्वॉलो करता है इनहेल करता है और फिर रिलीज करता है एमनियोटिक फ्लूइड में आपका बेबी यूरिन भी पास करता है तो एक मेजर पोर्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड बेबी के यूरिन से भी बना होता है इसीलिए ये फ्लूड बच्चे की लंग डेवलपमेंट रेस्पिरेटरी डेवलपमेंट और डाइजेस्टिव डेवलपमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है एम्निओटिक फ्लूड का एक इंडेक्स एक रेंज होती है जिसको डॉक्टर्स नॉर्मल रेंज मानते हैं अगर उस रेंज से एमनिओटिक फ्लूइड कम होता है तो वो एक कंसर्न की बात होती है जिसके लिए डॉक्टर्स अप्रोप्रिएट एक्शन लेते हैं अगर बहुत ज़्यादा हो गया होता है तब भी डॉक्टर्स उसके लिए अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हैं टिपिकली उस रेंज के बीच में अगर आपका एमनिओटिक फ्लूड रहे तो वो बेस्ट होता है उस रेंज से कम भी हो जाए तो भी डॉक्टर्स आपको कहते हैं कि होम रेमिडीज करके आप इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो बिकॉज जितना ज़्यादा होगा उतना ही बच्चे के लिए अच्छा होगा

करेंगे और अगर उन्हें लगेगा कि रेंज में है तो करेंगे कि इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और अब बात करते हैं कुछ बहुत ही सिंपल होम रेमेडीज की जो आप शुरू से ही अपनी प्रेगनेंसी में फॉलो करो ताकि आपको इसकी टेंशन की जरूरत ही ना पड़े एमनियोटिक फ्लूड भी आपके लिए कंसर्न हो सकता है सबसे पहली सिंपल रेमिडी है कि आपको पूरी प्रेगनेंसी में दिन में तीन लीटर पानी पीना है एमनियोटिक फ्लूड का एक मेजर कंपोनेंट मदर की बॉडी में जो पानी होता है उससे बना होता है इसीलिए तीन लीटर पानी प्रेगनेंसी में रेकमेंड किया जाता है दूसरी चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देना है तो कोई भी ऐसी चीज जो डिहाइड्रेशन कॉज करती है जैसे बहुत ज्यादा चाय पीना बहुत ज्यादा कॉफी पीना स्मोक एल्कोहल इन सब चीजों को आपको जितना हो सके अवॉइड कीजिए आई नो दैट जिन लोगों को बहुत एडिक्शन होती है चाय और कॉफी की उस केस में डॉक्टर्स रिकमेंड कर देते हैं कि आप दिन में दो कप पी लो या सर्टन क्वांटिटी पी लो बट अगर आपको अपने एमनियोटिक फ्लूड को अच्छा मेंटेन करना है तो इट इज बेस्ट दैट आप इसका इनटेक कम से कम रखें तीसरा इंश्योर करें कि आप रोज थर्टी मिनट्स सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट करें आइडली बेस्ट वर्कआउट करने से क्या होता है आपका तो चौथी रेमेडी है कि अपनी पूरी प्रेगनेंसी में कोशिश कीजिए कि आप रोज नारियल पानी पिए नारियल पानी में ऐसे इलेक्ट्रोलाइड ऐसे न्यूट्रिय होते हैं जो बॉडी में जाके हाइड्रेशन लेवल को बढ़ाते हैं और एमुइड के भी अच्छे लेवल्स पे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड लास्ट रेमेडी है कि अपनी डाइट को वॉच करें वाइल्ड आप प्रेगनेंसी के दौरान एक हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं क्योंकि वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है बट साथ ही उसे कॉम्प्लीमेंट कीजिए ऐसी डाइट में जिसमें वाटर लेवल्स बहुत हाई हों तो जितना हो सके वाटरमेलन जूसेस जो घर के निकले हुए फ्रेश जूसेस होते हैं क्यूकम्बर टोमेटो ऐसी चीजें ऐसे फल और सब्जियां खाइए जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ही हाई होता है ये अगर आप मेंटेन कर पाएंगे तो तीन लीटर पानी कोकोनट वाटर एंड इस चीज के कॉम्बिनेशन से आपका एमनियोटिक बहुत अच्छा रहेगा एंड अगर ये सब करने के बावजूद आपका एमनियोटिक फ्लूड कम निकलता है तो घबराने की कोई बात नहीं है मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आजकल कुछ ट्रीटमेंट्स के थ्रू डॉक्टर्स आपके एमनियोटिक फ्लूड को बेटर कर सकते हैं इंपॉर्टेंट बात यह कि अपने अल्ट्रासाउंड को मिस नहीं कीजिए क्योंकि उसी में पता चलेगा एमनिओं फ्लूड का लेवल ठीक है या नहीं और अगर कम है तो उसका इंपैक्ट अभी बेबी पे कुछ हुआ है या नहीं कई बार ऐसे होता है कि फ्लूड का लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है बिकॉज ऑफ मल्टीपल इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन नहीं होता कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो जिसकी वजह से ये लेवल कम हो गया है बट अगर उसका इंपैक्ट बेबी पे अभी तक नहीं हुआ होता तो डॉक्टर्स टाइमली एक्शन ले सकते हैं अगर आपका एमनियोटिक फ्लूड कम हो जाता है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है टाइम पे अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि आजकल काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिसके थ्रू डॉक्टर्स आपके एमनियोटिक फ्लूड लेवल को बेटर कर सकते हैं बट इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने अल्ट्रासाउंड्स को टाइम पे कराएं उसे मिस ना करें जिससे हमें पता चले कि हमारा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या है कई बार एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम होता है रेंज से बाहर होता है हाउएवर जब बेबी के बाकी डेवलपमेंट मेट्रिक्स देखा जाता है तो दिखता है कि बेबी के ऊपर अभी तक इसका कोई असर नहीं हुआ है बेबी की ग्रोथ वैसे ठीक चल रही है तो डॉक्टर्स इमिजिएटली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं सो so अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए फाइनल डिसीजन मेकर्स वही होते हैं कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड लेवल जो है वो कितना कम है और उसे कैसे ठीक किया जा सकता है पर जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई वो थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी में आपको बहुत मदद करेंगी आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा आया हो तो लाइक करके मुझे जरूर बताना कि आपको पसंद आया है अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेलाइकन को हिट कर लेना और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो करना जहां पे हम प्रेगनेंसी पेरेंटिंग से रिलेटेड काफी सारी चीजें शेयर करते हैं और अपने आने वाले बेबी की भी डिटेल सबसे पहले वही शेयर करने वाले हैं दिस इज आर इंस्टा हैंडल थैंक यू बाय